आखिर कौन है ये जहीर इकबाल जिसके साथ सोनाक्षी ने घर वालों से लड़कर की शादी? ऐसा क्या देखा सोनाक्षी को इस लड़के में के साथ फेरे छोड़कर कबूल है बोलना पड़ा? ना कोई हिट फिल्म, ना कोई गाना और ना ही कोई पॉपुलैरिटी। फिर क्यों सोनाक्षी सेना को पसंद आया ये लड़का और ऐसा क्या है गहरा रिश्ता सलमान खान से? उनके बाप को लेने पड़े थे जहीर इकबाल के बाप से उधार में पैसे। सोनाक्षी से पहले आखिर कितनी लड़कियों के साथ सो चुके हैं जहीर इकबाल? सोनाक्षी सेना अपना टाइटल हटाकर सोनाक्षी इकबाल रखेगी? और आखिर कितना दहेज दिया इन्होंने अपनी बेटी को? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर जहीर इकबाल और सोनाक्षी सेना की शादी के चर्चे सोशल मीडिया में खूब सुर्खियाँ बटोर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ जहीर को लेकर चर्चा शुरू हो गया। सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन है और इनके बाप कौन हैं और सलमान खान से जहीर इकबाल का क्या कनेक्शन है। जहीर इकबाल की पैदाइश मुंबई में हुई, वो सोनाक्षी सेना से एक साल छोटे हैं। जहीर के बाप का नाम इकबाल रतनासी है, वो एक ज्वेलरी बिजनेसमैन है और सलमान खान के काफी पुराने और अच्छे दोस्त हैं। सलमान ने जहीर को गोद में खिलाया है, इसी नाते भाई जान ने जहीर इकबाल को बॉलीवुड में लॉन्च भी किया था। जहीर इकबाल ने साल 2019 में नोटबुक से डेब्यू किया था। सलमान खान ने किया था जहीर इकबाल को लॉन्च। सलमान और जहीर की मुलाकात इनकी बहन की शादी में हुई थी। यहाँ इन्होंने स्टेज पर जहीर को परफॉर्म करते हुए देखा था, जिसके बाद वो इम्प्रेस हो गए थे और इन्होंने जहीर को फिल्मों में लॉन्च करने का मन बना लिया था। नोटबुक में काम करने के बाद जहीर को सलमान अपनी कमिंग फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में भी मौका दे रहे थे, लेकिन एक्टर ने खुद को इस फिल्म से आउट कर लिया। अब बात करते हैं कैसे सोनाक्षी इकबाल से मिली। जहीर इकबाल और सोनाक्षी सेना को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहीर और सोनाक्षी की पहली मुलाकात सलमान खान ने करवाई थी, जिसके बाद दोनों की दोस्ती शुरू हुई। पिछले दिनों एक साथ शादी में देखा गया था, दोनों ब्लैक कलर की ड्रेस में साथ पहुँचे थे। हाल ही में जब सोनाक्षी ने डायमंड रिंग फ्लॉट करते हुए अपनी फोटो शेयर की थी, तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इन्होंने जहीर इकबाल से सगाई कर ली है। जहीर इकबाल और सोनाक्षी सेना का रिश्ता साल 2022 में तब चर्चा में आया था जब दोनों ने सोशल मीडिया पर प्यार का इजहार किया था। जहीर ने सोनाक्षी को 3 मैजिकल वर्ड भी कह दिए थे, आई लव यू, जिसके जवाब में एक्टर ने भी आई लव यू कहा। इसके बाद से ही दोनों सोशल मीडिया से लेकर सारो जिंग जगहों और बॉलीवुड की पार्टीज में साथ नजर आते रहे हैं।